बताए गए मार्ग के ऊपर चलेगा। ये उधार का ज्ञान नहीं है कि मैं किसी से सुन करके बोल रहा हूँ, आगे बोल रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। ये वो अनुभव है जहाँ हम जिस रास्ते से निकल करके गए वो आपको सिखा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि आप भी उस मार्ग से चल के अपने आप को ब्रह्म समझने लगे। मैं जो बोल रहा हूँ आपको ये लगने लगे कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, कि ये जीव ब्रह्म है, आपको दृढ़ विश्वास हो जाए। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि कहीं कुछ ब्रह्म बन जाए, कुछ मांग ना ले, वहाँ कुछ नहीं लगता। जो हमारे साथ जीव जाएंगे, हमारे से पहले शरीर छूटने से पहले, मतलब समझो जो पहले भी जीव जाएंगे, बाद में भी जीव जाएंगे, जो जीव जाएंगे उनका कुछ नहीं लगेगा भजन के सिवा, मन के सिवा, आत्मा के सिवा, वहाँ कोई किराया नहीं लगता। सबसे बड़ी मज़े की तो बात यही है कि वो मिल रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं, जो वस्तु अनमोल है वो मिल रही है, और कीमत कुछ भी नहीं। लेकिन हमें तो आदत हो गई है कि जो फ्री मिल रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं। जैसे शरीर की अहमियत नहीं, वैसे ही नाम और आध्यात्म की और परमात्मा की कोई अहमियत नहीं है, बिल्कुल भी थोड़ी भी अहमियत नहीं है। जब आप इस तत्व की अहमियत समझोगे, जब इतिहास उठा करके देखोगे, आपको ये चीज़ें शब्द पकड़ में आने लगेंगे कि नाम में कितनी ताकत होती है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, कि भव सागर सूख जाए, नाम में इतनी ताकत होती है कि भव सागर जो किसी भी ताकत से नहीं सूखता, जो कितने भी दान और धर्म से नहीं सूखता, वो मात्र नाम लेते ही सूख जाए। कितनी ताकत होगी उस नाम के अंदर, कितना भी भयंकर से भयंकर रोग क्यों ना हो, कितने भी पुराने से पुराने कष्ट क्यों ना हो, कितने भी पुरानी से पुरानी कोई समस्या क्यों ना हो, चाहे हजारों सालों से कोई कारण रहा हो, चाहे जन्म जन्मांतर से कोई कारण रहा हो, सबकी सब चीज़ें नाम से कटने लगती हैं। कि नाम जाप शुरू हुआ और उधर काम शुरू हुआ। इतनी अहमियत है इस नाम की, जिसको इसकी बस आप नाम रटो ना रटो, लेकिन उसकी अहमियत को जान लो। जब आप उसकी अहमियत को जान लोगे, मैं मना करूंगा तो भी आप रटोगे, क्योंकि उसकी अहमियत ही इतनी है। आप एक घर की अहमियत समझते हो कि बारिश होगी तो बारिश से बचाव होगा, सर्दी से बचाव होगा, किसी दुश्मन से बचाव होगा, जंगली जानवरों से बचाव होगा। आप कहीं भी हो, भाग के इधर उधर घर में ही आओगे। कितनी अहमियत मानते हो आप, जिस प्रकार से एक पक्षी के लिए, जहाज में बैठे हुए पक्षी के लिए जहाज की जितनी कीमत होती है, उतनी उससे ज़्यादा कीमत इस नाम की होती है। कि पक्षी कहीं भी उड़े, कहीं भी जाए सागर के अंदर,
समुद्र के अंदर कुछ लोग गए होंगे, जहाँ तक नज़र जाती है जल ही जल नज़र आता है, जल ही जल, कोई रास्ता नहीं होता। आसपास सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक कोई किनारा नहीं होता, तो वो पक्षी थक हार करके वापिस जहाज के ऊपर आ जाता है। तो उसी प्रकार से जब नाम की अहमियत समझ में आ जाएगी, आपकी पकड़ में आ जाएगी, तो आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कैसे भी रहें, लेकिन नाम जपना नहीं छोड़ोगे, नाम रटना नहीं छोड़ोगे। ये जो नाम संसार के अंदर दिए जा रहे हैं, ये लोक लोकांतर के नाम हैं। आपको देवों की, आपको त्रिदेवों की दर्शन तो हो जाएंगे इनसे, इनके आप समीप भी चले जाओगे, इनके लोक में भी निवास हो जाएगा, इनके पास भी आप करोड़ों वर्षों तक रह सकते हो, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते जी। जो जीवन मुक्ति का रास्ता है वो इन सब से हट करके जाता है, और मैं उसी को बार बार आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसी कारण से मैं बार बार नाम के ऊपर इतना जोर डालता हूँ। इस कारण से जीवों को नाम के माध्यम से जगाने का प्रयास करता हूँ, ताकि नाम के महत्व को आप समझ सकें और नाम रटना शुरू करें। क्योंकि मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ कि आपके अंदर वो परमात्मा विराजमान है, आप मानने को ही तैयार नहीं हो। अगर बस इतना मान लो कि आपके अंदर वो परमात्मा है और आप कर्ता नहीं हो, लेकिन कर्म के कारण ये आत्मा शरीरों के बंधन में चली आती है। कर्म हम लोग करते हैं, लेकिन सजा किसको मिलती है? आत्मा को मिलती है। आपको नहीं मिलेगी सजा, इस शरीर को नहीं मिलेगी, या तो सूक्ष्म में जा करके होगा जो भी घटनाएं होंगी, या फिर आत्मा चक्कर में पड़ जाएगी। तो ये सजा आप आत्मा को दे रहे हैं इन कर्मों के माध्यम से, अपने आप को सजा दे रहे हैं, स्वयं को सजा दे रहे हैं, अपने आप को जागने से रोक रहे हैं, अपने आप को ऊपर चढ़ने से रोक रहे हैं, अपने आप को जानने से रोक रहे हैं, अपने आप को पाने से रोक रहे हैं, अपने ज्ञान में आपने रुकावट पैदा कर दी। कारण कि आप अपने आप को ब्रह्म नहीं मानते, आत्मा नहीं मानते। मैं एक बहुत को पढ़ रहा था, तो उसमें कि ये परमात्मा के पुत्र थे, कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, ईसाइयों में ये लिखा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा और भी पढ़ लेना। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ब्रह्म हूँ, वो उस श्रेणी के लोग नहीं थे कि ये आत्मा ब्रह्म है। हमारे जो संत महात्मा हुए, जो महापुरुष हुए, थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी कर लो तो सही रहेगा, ये अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, यानी दो हुए, एक परमात्मा
एक पुत्र, पिता और पुत्र का नाता बना लिया, तो दो हो गए ना, भक्त और भगवान एक नहीं हुए। तो जब एक नहीं हुए तो जीवन मुक्त नहीं हो सकते। यह बात लिख लेना कि जो एक नहीं हुए वो जीवन मुक्त नहीं हो सकते। कितना भी कुछ भी हो जाए, चाहे उनके नाम के ऊपर मजहब चले, धर्म चले, पंथ चले, चाहे करोड़ों अरबों लोग चले, वो जीवन मुक्त आत्माएं नहीं है। मैं ये अनुभव से बोल रहा हूँ क्योंकि हमने वहाँ जा करके अनुभव किया। हमारे संतों ने भी बोला कि वहाँ दो नहीं रह सकते, दो हो ही नहीं सकते। अगर दो हैं तो भेद है, भेद है तो जीवन मुक्त नहीं। अगर सुई मात्र का भी भेद रहा, नोक मात्र का भी भेद रहा, एक ना हुए, अगर छाया मात्र का भी भेद रहा, तो भी जीवन मुक्त नहीं हो सकते। अगर हम उनका अनुसरण करेंगे तो बस धार्मिक तो हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आध्यात्मिक हम उनका अनुसरण करके हो सकते हैं जिन्होंने ये कहा कि जीव ही ब्रह्म है, कि जीव और ब्रह्म दो नहीं हैं, लेकिन ध्यान आपका बटा हुआ है, जमा हुआ नहीं है। थोड़ी सी हलचल हुई, सबके विचार मन एकदम से बदल गए। कुछ लोग आकाश में गए हुए थे, एकदम से बेचारे नीचे उतर करके आए कि क्या हो गया इस धरती के ऊपर। थोड़ा सा विचारों के ऊपर, मन के ऊपर, ध्यान के ऊपर आप काम कीजिए, ये आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके इस शरीर जो आप ले करके आए हैं, परमात्मा ने इतना सुंदर और स्वस्थ शरीर दिया है, इसके लिए बहुत आवश्यक है।